स्टूडेंट्स एंड प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन है कि एक एम मास का डिस्क है और आर रेडियस का, और वो ओमेगा से घूम रही है, और इसके ऊपर जेंटली एक एम बाई टू मास का डिस्क हमने रखा है और उसकी ओमेगा इनिशियली जीरो थी, तो इंटरनल फ्रिक्शन के कारण टॉर्क क्या होगा? जीरो। तो एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए तो फाइनल ओमेगा आपसे पूछ रहा है बस, है ना। तो कितना होगा बताइए, एम आर स्क्वायर बाई टू क्या होगा, इनर्सिया होगा इंटू ओमेगा, आई ओमेगा कंजर्व होगा, तो ये आई ओमेगा कर दीजिए, और फाइनल इनर्सिया क्या होगा, तो रोटेशनल इनर्सिया एम आर स्क्वायर बाई टू इस लोअर का होगा, और अपर का क्या होगा, एम बाई टू आर स्क्वायर सेम रेडियस है बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा डैश। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा इक्वल्स एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई फोर ओमेगा डैश, है ना। यानी कितना हो जाएगा भाई साहब, तो ये हो जाएगा थ्री एम आर स्क्वायर बाई फोर एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, ओमेगा फाइनल या ओमेगा डैश कुछ भी नाम दे दीजिए, तो आंसर आ जाएगा।